हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, आज हमारा जन्मदिन है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो आप सब हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। मम्मी यहाँ पर आग जला रही है, दोस्तों आप सब देख सकते हैं। तो पहले हम चावल बनाएंगे, तो हमने चूल्हे पे अपना टोपा रख दिया है। अब इस पे हम पानी डालते हैं। पानी को हमने डाल दिया है और यहाँ पर मम्मी चावल धो रही है। और ये रही हमारी बड़ी सिस्टर, यहाँ पर आलू के छिलके को उतार रही है। चावल को मम्मी ने धो के दे दिया है, अब इसे हम डालते हैं। आज हमारे घर में जितने सारे लोग हैं, सभी लोग हमारे साथ में मिलकर खाना बनाएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चावल को हमने डाल दिया है, अब इसे एक बार हम मिला देते हैं। चावल को हमने डाल दिया है, इसे हम ढक देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं आप सबको एक और नए लोगों से मिलवाती हूँ। और कृति भी हमारे तैयार होके आ गई है। कृति कैसा लग रहा है? कृति कृति सामने लखो, हाय करो। कृति हाय करो। वाह, कृति ने बाय कर दिया आप सबको दोस्तों। तो और यहाँ पर ये हमारी बड़ी मम्मी की लड़की है, ये भी हमारे साथ में आज कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ में कुछ बनाऊंगी। तो ये भी और सभी लोग, बहुत सारे लोग आए हैं, मैं आप सबसे एक एक लोगों से मिलवाती रहूंगी और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हम चलते हैं चावल की तरफ। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, आधे से ज्यादा चावल हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसे हम थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देते हैं। बड़ी सिस्टर ने हमारे आलू छील कर बिल्कुल रख दिया था। अब इसमें हम ऐड करते हैं मसाले। मसाले में हमने गरम मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमने मिला के लिया था। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चूल्हे पर तेल गर्म होने के लिए हमने पहले से ही रख दिया था। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, अब आलू को हम भून लेते हैं। आलू को भूनते समय हम आग की आंच को हम कम ही रखेंगे, ताकि आलू हमारे कढ़ाई की पेदी में पकड़े न। और आलू को बिल्कुल हम हल्के हाथों से चलाते हुए पकाएंगे, ताकि आलू के पीसेस हमारे टूटे न। दोस्तों, जब आप आलू को उबाल के लिए तो उसे 80% तक पकाएं, ज़्यादा बिल्कुल। इससे क्या होता है कि हमारे आलू के पीसे जल्दी टूटते नहीं हैं। आलू हमारे बिल्कुल भून चुके हैं, बिल्कुल हमें इतना ही इसे भूनना है। अब इसे हम निकाल कर एक थाली में रख लेते हैं। आलू को निकालने के बाद इसमें हमारा थोड़ा सा तेल पहले से बचा था, और इसमें थोड़ा सा हम तेल और डाल देते हैं। तेल को हमने डाल दिया है, तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें हम खड़े मसाले डालते हैं। खड़े मसाले में हमने लिया है लौंग, काली मिर्च और जीरा, और हमने राय लिया है, 2 पीस तेज पत्ता लिया है। सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, इसे हम थोड़ी देर भूनते हैं। थोड़ी देर हमारा हो चुका है, हमने यहाँ पर कुटा हुआ प्याज लिया है और लहसुन लिया है और अदरक लिया है, इन सारी चीज़ों को डालते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने कूट के लिया है, इसे भी डालते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता है, तब तक इसे हम पकाएंगे। तड़के का कलर हमारा बिल्कुल ब्राउन कलर हो चुका है, अब इसमें हम डालते हैं टमाटर के पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को हमने डाल दिया है, अब इसे हम मिला देते हैं। और मिलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे पक नहीं जाते हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, अब इसमें हम डालते हैं बेसन के घोल को, हमने इसे पहले से बनाकर रखा था, अब इसे डालते हैं। बेसन के घोल को डालने के बाद इसे हम एक बार मिला देते हैं, ताकि कढ़ाई की पेदी में हमारे पकड़े ना। मिलाने के बाद इसमें हम डालते हैं मेथे को। मेथे को हमने बारीक पीस कर लिया था, इसे हमें बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं पीस के लेना है, थोड़ा बारीक ही पीस के लेना है। इसके बाद इसमें हम डालते हैं मसाला। मसाला को हमने डाल दिया है, इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम सब्जी को बना लेते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं, अभी ये है मेरी बुआ। बुआ सब्जी चेक कर रही है कैसा बना है कैसा नहीं। और ये कृति आप सब देख ही सकते हैं, टोपी उपी लगा ली है, ठंडी पड़ रही है ना, इसीलिए टोपी उपी अच्छे से लगा ली है। और ये है हरिओम, अभी ये कोचिंग से आ रहे हैं, और सभी लोग बस आधा से ज्यादा खाना बन चुका है, बस अभी पूरा बन जाए तब सभी लोग हम लोग खाते हैं, और इंजॉय तो आज बहुत ही ज्यादा करेंगे। और सब्जी भी हमारे बन चुके हैं, अब हम पूड़ी के लिए आटा गूंथ रहे हैं।
और दोस्तों बगल में कृति बैठकर खेल रही है, आप सब देख सकते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी पूरी छान रही है, आधा से ज्यादा हम लोग पूरी बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, सबको खिलाना शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं सभी लोग बैठकर खा रहे हैं, छोटे बच्चे सभी लोग खा चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे बड़े सिस्टर लोग खा रहे हैं और बुआ सब लोग साथ में खा रहे हैं, यहाँ पर बड़े भैया भी खा रहे हैं। दोस्तों सभी लोग खाना बिल्कुल खा चुके हैं और यहाँ पर कृति डांस कर रही है, कब से रो रही थी डांस करने के लिए। दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।